कभी बीवी को गुस्सा में आवाज देनी है, चाय ले और रियाज कर रहे हैं, कैसे बुलाए? और तेनु आवाज ही सीधी गाली सुन दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस रात में हुए रहे महमूद एमवाईके न्यूज़ के साथ। और इस वक्त हम बड़े बहुत ही सुपरस्टार, मैं अब क्या बताऊँ, क्या थरतीली सी इनकी आवाज़ है, क्या थरतीली सा इनका साग है, क्या थरतीले से एटमोसफेयर बना देते हैं। ओ ओ, 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 ओ क्या बात, क्या बात। क्या बात जी, लोगों की आवाज से दर्द निकलता है लेकिन इनके चेहरे से भी दर्द निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, बड़े मशहूर है आपके जो अंदाज है, ये जो आप लाभ लगाते हैं, इतनी दर्द से लगाते हैं, मतलब लोगों की आवाज में दर्द होता है, आपकी शक्ल में भी दर्द नजर आता है, क्या वजह है? इसको तान कहते हैं मैडम। तो बहुत से गायक हैं जो आपको लगता है आपके अंदर तान जो है वो ज्यादा आ गया। हाँ, जबड़ा खोल के ऐसे पूरा जबड़ा खोल के तान लगाते हैं ना, तो मुंह बंद करके भी तान लगनी चाहिए। मुंह बंद करके जैसे तान लग मुंह खोल के तान कैसे निकलती है? ये तकलीफ में ही निकल रही है। अच्छा, खुशी में तान कैसे होती है? अब मैं कैसे जाऊं घर वार, रिम जिम रिम जिम बरस बदर वाह। ये खुशी वाली थी, पहली पहली मोहब्बत हुई तो फिर तान कैसे निकली? क्या बात है जी, रोमांटिक भी होते हैं आप। जिस तरह आपने शुरुआत की ना, मुझे तो लगा बस तूफानियां मचानी आती है, लेकिन कभी अपनी बीवी को ये अपने ताने सुनाई आपने? सुनी है, वो उन्होंने यूट्यूब पे देखा है मुझे, वैसे लाइव नहीं देखी। देखती है तो वो मुझे कहती कि आप इतने जोर से क्यों गाते हैं, आराम से गाएं। कहती वो आराम से गाएं। कभी ऐसे होगा घर में आप रियाज कर रहे हो तो एकदम दीवार की छत्ते गिर जाए? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, मैं रियाज कर रहा था ना तो हमारी पिछली गली से एक आदमी आ गया, उसने कहा यार अंदर रो रहे हैं, कौन मर गया? दादाजी कहते हैं नहीं यार, वो मेरा पोतरा जो ना, वो पता नहीं सुबह से क्या शोर कर रहा है यार, वो मैं रियाज कर रहा था। ऐसे ऐसे मंगा था तो पीछे से आ गया, उन्होंने कहा यार ये पीछे फौज की होगी, रो रहे हैं बंदे, कितने रो रहे हैं, देखा तो एक ही था। मैं घर में बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं। तो बच्चों को कभी बुलाना हो रही आस करते हुए कैसे बुलाएंगे? और आम करके बैठो की कर दो। दोबारा से बच्चों को कैसे डांट रहे हैं? देखिए ओ चुप कर की कर दिया। बच्चा गली में है, आप घर के अंदर बैठे हैं, बच्चों को बुलाना है, कैसे रियाज करते हुए आवाज देंगे? किधर चले गए? कभी बीवी को गुस्सा में आवाज देनी है, चाय ले और रियाज कर रहे हैं, कैसे बुलाएंगे? और तेनु आवाज ही सीधी गाली सुन दी। कभी बीवी के साथ लड़ाई हो रही है, लड़ाई में गुस्सा आ गया तो सुर में ही बुरा बुला कहना शुरू कर दी। और की नोच तलिया चुप क्यों नहीं करती, मैं तेनु वाजा मारन दिया। माशाल्लाह आपका नाम बहुत अच्छा, उस्ताद अनवर दरबारी साहब, लेकिन अगर आप थरतल्ली खान साहब कहना शुरू कर दे तो गुस्सा तो नहीं करेंगे? थरतल्ली तो मैंने डाली है।
थरथरली खान साहब मुझे ये बात बताइएगा, जब आप मौसीकी करते हैं तो इसमें सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा होता है? क्या बात। आपको कभी लगा कि मेरे लिए जानलेवा हो सकती है? मैं इतना ना हिलू, लगता तो है, लोग भी मुझे कहते हैं कि आप इतना गा रहे हैं, जानलेवा भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो मैंने कहा मैंने तो जो अपनी जिंदगी है ना वो ये सुर के नाम में लगा रही है। अच्छा चले, अपनी जान का तो रिस्क आप ले रहे हैं, तो जो आस पास बैठे हुए अगर उनके दिल कमजोर हो तो वो क्या करे फिर? मैं कह नहीं सकता, जो आप कितने बंदे बैठे हैं मुझे क्या पता किसका दिल कमजोर है। ऐसे थोड़ा करके वो तड़प ठीक है। ऐसे होता है जब मैं गाता हूँ ना तो जो स्पीकर के पास बैठे होते हैं ना लोग, वो ऐसे गिर जाते हैं। तो स्पीकर एक बंदा साउंड वाला मैडम मुझे कहता है यार थोड़ा सा आवाज आस्ता लगाओ, जो स्पीकर है ना वो फटना चाहिए। मैंने पहले ही टाके लगवाया था। अच्छा, अपने चाहने वालों को अगर आप अपना नंबर देना चाहे तो 03004089001। चले जी, ये थरथरली खान साहब और बहुत अच्छा इनका जो है वो टैलेंट है, और मुझे यकीन करें जितनी देर मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। इंशाल्लाह इनकी मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। अगर आप इन्हें इनवाइट करना चाहते हैं किसी पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में, इवेंट्स वगैरह में, तो इनका चैनल जो है वो इस वक्त मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, आप यहाँ जाके इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नंबर भी इन्होंने आपको बता दिया। जाते जाते थरथरली खान साहब क्या कहना चाहते हैं? खाना खा के तो गाया नहीं जाता, फिर थोड़ा भी आपने इतना जोर लगाया, बाद में पता चला हो कोई मसला बन गया। बन जाता है मसला, पीछे एक दो दिन पहले मसला बन गया। रात को मैं 2 बजे तक गाता रहूं तो सुबह मेरे पेट में दर्द हो गई। डॉक्टर ने कहा आपके मेदे में गर्मी हो गई। गाने की वजह से गाता रहूं और गोश्त भी खाया है तो गर्मी। गाने की वजह से या जोर लगाने की वजह से? जोर लगाने की वजह से, मुझे जोर भी लगा रहा हूँ इसमें, ताकत लगती है। अच्छा जी, ये थरथरली खान साहब और बड़ा मजा है इनसे बात करते हुए। उम्मीद है आपको इनकी वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।